पर खेल जबरा एक और हो रहा है। आपने गौर किया होगा सर, तमाम टेलीविजन चैनल पर एकाएक प्रशांत किशोर दिखाई दिया, अदालत लगाने वाला संपादक हो, सोनिया गांधी के देवर का हिंदी या अंग्रेजी चैनल हो, राजदीप सरदेसाई अंग्रेजी में और एक छमछम छमछम करते हुए हिंदी में, वैसे उसे लोग राष्ट्रवादी कहते हैं सो कॉल्ड। उसके बाद इतना ही नहीं, कई वेबसाइटों पे अल्लन गल्लन टल्ल टल्लन पे भी, और ऐसा लगा कि एक ही जगह दिया गया, चलो भाई थोड़ा सा ये चेंज कर लेते हैं, थोड़ा ये चेंज कर लेते हैं, कभी किसी खेत में किसी खलिहान में, मतलब ऐसा लग रहा है कि सिर्फ अदालत लगाने वाले संपादक को अदालत में आकर के, वरना खेत खलिहान जहां उसको मौका मिल गया वही लोग लेट गए। इसको इतना पैसा कहां से आ रहा है कि पूरा इतने दिनों से बिहार भ्रमण जो है कंटिन्यूअसली चल रहा है, और एक तमाम टेलीविजन चैनलों पर सुनने में सर, मैंने चूंकि अदालत लगाने वाले संपादक का थोड़ा सा देखा, पूरा नहीं देख पाया, कुछ चीजों को स्लाइसली बढ़ा बढ़ा करके देखा, तो पर लगा कि एकदम से एजेंडा के तहत एक ही जगह किया गया, थोड़ा ये थोड़ा प्रोमा बदल देते हैं कहीं पर, चलो जो सीन बदल देते हैं, खेत खलिहान एक ही है सर। ये पूरा खेल आपको क्या लग रहा है? यू ही है भजन, वैसे मोदी का भी गा रहा है, लालू का भी गा रहा है, बड़ा स्ट्रेटजी के साथ ही है, तो साथी खिलाड़ी। यह मनीष जी प्रशांत किशोर की बात कर रहे हैं, मनीष जी दर्शकों से बता दूं, और ये वास्तव में चौंकाने वाला घटनाक्रम ही रहा कि पिछले 2-3 दिनों के अंदर हिंदुस्तान का कोई ऐसा चैनल बचे ही नहीं जिसमें प्रशांत किशोर का बड़ा लंबा 1-1 घंटे का इंटरव्यू ना आया हो। कहने के लिए उसके पास कोई बात नहीं है। सबसे खास बात यह है कि वो मैंने उसका एक इंटरव्यू देखा, वो जो आपने कहा सोनिया गांधी देवर वाला, वो मैंने देखा, वो उसको मैंने कहा देखें कह क्या रहा। उसके बाद जितने थे 2-2, 4-4 मिनट वो देखा, रिपीटिशन था सारे चैनलों पे। वो अदालत लगाने वाले का तो मैंने देखा नहीं कर कि वहां क्या था, तो सिर्फ एक रिपीटिशन था, और उसके उस पूरे इंटरव्यू का एक सूत्री कार्यक्रम था। अभी इसकी कलाई खोलता हूं मनीष जी, कि किसी तरह से नीतीश कुमार को डिस्क्रेडिट करो। वो ये जानता है कि अगर मोदी के बारे में उल्टा सीधा कहा, मोदी को गलत कहा, तो जूते पड़ने लगेंगे, तो वो बड़े सातिर तरीके से कि मोदी को तारीफ करो और नीतीश कुमार को डिस्क्रेडिट करो। अब मैं बता रहा हूं कि मैं नीतीश कुमार की बात क्यों कर रहा हूं, क्योंकि जिस मामले पर ये नीतीश कुमार की को डिस्क्रेडिट कर रहा है, उसी मामले पे इसके इसके इसका अभी भी इसको बेनकाब करता हूं मनीष जी। तो वो जानबूझकर, क्योंकि एनडीए के हिस्सा हो गए, नीतीश कुमार का प्रमुख भूमिका होगी बिहार के कैंपेन में, तो नीतीश कुमार को इतना डैमेज कर दो तो अपने आप स्वतः एनडीए डैमेज हो जाएगा, ये रणनीति है उसकी। वो इसीलिए घूम घूम कर आने था, ये सारे चैनल ऐसा क्यों मेहरबान हो गए, ऐसा कौन सा चंद्रयान भेज दिया प्रशांत किशोर ने कि 1-1 घंटे का इंटरव्यू चल रहा है सब पे, और वो आज तक पे भी चल रहा है, इंडिया टुडे पे भी चल रहा है, वो जो उनका एक अवैध संतान है यूट्यूब पे फलानी टॉप धमाकी टॉप, उसको 2-3 घंटे का इंटरव्यू। तो ये बड़ा प्रायोजित तरीके से कि नीतीश को डैमेज करो। अभी तक नीतीश के बारे में ये सारे चैनल बड़ा उसको बाप बनाए हुए थे कि बिल्कुल अब तीसरा मोर्चा बन गया, एनडी गैंग बन गया, खैर वो अलग है। तो मैंने बताया कि ये इसलिए इसको सारे उस पर चमक रहा कि नीतीश को डिस्क्रेडिट करो, क्योंकि एनडीए का हिस्सा, तो अपने आप काम हो जाएगा। लेकिन मनीष जी मैं इस पे आता हूं, जो ये कह रहा है कि ये हर उस पे कि नीतीश पलटी मार, ये केवल इसके सारे इंटरव्यू में ये जैसे ने लहंगा उठा के नाचने वाला काम, कि एक ही काम की केवल नीतीश पलटी मार, नीतीश ने पलटी मार दी, नीतीश तो बड़े पुराने पलटी मार है फला। तो मगर मनीष जी जब मैंने इसका ये प्रवचन सुना, हर इंटरव्यू में ये बता रहा कि नीतीश ने पलटी मार दी, तो मुझको प्रशांत किशोर का ये प्रवचन सुन के मुझे किस्सा याद आ गया कि एक वेश्या निकली और उसने जो घरेलू महिलाएं थी पतिव्रताएं, उनको सच्चरित्रता पे उपदेश देना शुरू किया था कि सच्चरित्र नारी कैसे होती है, ये उपदेश देने वो एक वेश्या पहुंची थी। ये आदमी पलटी मारने की बात कर रहा है, ये आदमी नैतिकता की बात कर रहा है, ये आदमी सिद्धांत की बात कर रहा है, ये आदमी वैचारिक प्रतिबद्धता की बात कर रहा है। और मुझको शर्म आती है कि जितने न्यूज चैनल के 9 बजे बैठ जाते हैं लाखों रुपए महीना लेने वाले एंकर एडिटर, किसी की बुद्धि में बात नहीं आ रही, क्या दलाली कर रहे हैं उसकी? मनीष जी इससे बड़ा बेशर्म, इससे बड़ा राजनीतिक बेशर्म, राजनीतिक बेईमान, राजनीतिक धूर्त कोई हिंदुस्तान की राजनीति में नहीं आया। ये केवल केजरीवाल को टक्कर इसकी हो सकती है बस। ये आदमी राजनीतिक प्रतिबद्धता और नैतिकता की बात करता है, ये दावा करता है कि मैंने मोदी को जिता दिया, और ये सारे चैनलों ने जुट के इस काम पे किया। उसकी असलियत अभी बताऊंगा कि इसकी कितनी बड़ी भूमिका थी।
इस तरह तक मैंने 2014 में जैसे यही जिताने वाला था तो वो तो अभी आता हूं। लेकिन मनीष जी ये कितना ईमानदार है और कैसा पलटीवार है ये बताता हूं आपको कि एक तरफ मोदी को पता था 2014 में जिता दिया और उसके बाद कूद के लालू को जिताने पहुंच गया। ये इतना ईमानदार है, इसको बिहार की इतनी चिंता है। इधर इसने 2014 मोदी और उसके बाद लालू लालू नीतीश कुमार और बिहार में बाहर और लालू का जंगल राज को कैसा है बताया तो लालू को जिताया इसने, तो लालू वाले कैंपेन करने पहुंचा। लालू जब फुर्सत पाया तो ये फिर पलट के कांग्रेस की गोद में आया। इसकी पलटी मार कितना बड़ा पलटी मार है प्रशांत किशोर ये बता रहा हूँ। ये जो न्यूज चैनल के बेसर एंकरों एडिटरों ने नहीं पूछा कि वाल लालू की गोद से कूदा तो फिर आ गया कांग्रेस को जिताने, यहाँ उत्तर प्रदेश में टहला वो खटिया की खटिया पर चर्चा और तखत पर चर्चा और फलाना पर चर्चा और ऐसा लूटा कांग्रेस को। यहाँ कोई कांग्रेसी कहता कि 500 करोड़ लिए थे, कोई कहता 100 करोड़ लिए थे, लेकिन 100 करोड़ तो लिए ही होंगे क्योंकि जिस तरह का ताम झाम था एक साल पहले से यहाँ इसने नाचना कूदना शुरू किया। एक टीम आ गई सड़क पर घूम रही है, एक टीम कार्यालय में बैठी है और वो खटिया चर्चा इसी की थी, वो निकलती चाय पर चर्चा की। कांग्रेस की सीटें आई 7400 में से, ये वहां से भागा। जब ये वहां से भागा तो एक और हिंदुस्तान की बड़ी ईमानदार पार्टी वो स्टालिन डीएमके वाली वहां जाके जूझ गया, वहां से हटा तो फिर एक और ईमानदार पार्टी वो आंध्र प्रदेश की जगन रेड्डी की वहां जाके जूझा, वहां से जब फुर्सत पाया तो जाके ममता बनर्जी के साथ जूझ गया। तो ये आदमी तो वो आदमी है जिसने कहीं मुंह मारने में कोई कसर नहीं बाकी रखी, इसको जहां मौका मिला वहां मुंह मारा इसने। और ये राजनीतिक नैतिकता की बातें करता है, ये राजनीतिक शुचिता की बातें करता है, ये राजनीतिक सिद्धांत की बातें कर रहा है और ये बेशर्म एंकर और एडिटर एक एक घंटे का उसका इंटरव्यू ले रहे हैं लेकिन उससे ये नहीं पूछ रहे कि तुम क्या वेश्या से भी बदतर हो। अगर तुम्हारे अंदर इतनी राजनीतिक नैतिकता है, तुम्हारे अंदर इतनी राजनीतिक सैद्धांतिकता है, तुम्हारे अंदर इतनी राजनीतिक शुचिता है तो तुम उस बेईमान मतलब लुटेरे के एक तरह से शिरोमणि उस स्टालिन को जिताने क्यों पहुंचे थे। उस भ्रष्टाचारी कांग्रेस का जितना पहाड़ जैसा इतिहास है उसको उत्तर प्रदेश में सत्ता दिलाने क्यों पहुंचे थे। तो तुमको अगर पैसा दे दे तो तुम कुछ भी करने को तैयार हो प्रशांत किशोर। तुम आज जो बिहार का ठेकेदार बनके घूम रहे हो, तुमको अगर कोई पैसा दे देगा तो तुम बिहार को बेच दोगे। क्योंकि अगर तुम्हारे अंदर जरा सी भी इंसानियत होती, जरा सी भी बुद्धिमत्ता होती, सिद्धांतिकता होती, वैचारिकता होती तो तुम कम से कम उस भ्रष्टाचार की गंगोत्री उस कांग्रेस के लिए प्रचार ना करते, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के लिए ढोल मंजीरा बजाते न घूमते। तुम में अगर जरा सी भी शर्म होती तो तुम उस ममता बनर्जी के खजड़ी बजाते हुए भाड़ों की तरह बंगाल में 6 महीने तक न घूमते, जिस ममता बनर्जी के सारे मंत्री आज मुकदमों में फंसे हैं, कम से कम 3-4 मंत्री जेल जा चुके हैं, आधा दर्जन विधायक जेल जा चुके हैं और हिंदू मुस्लिम तुष्टिकरण की पराकाष्ठा किया। तुम्हारी आंखें बंद थी, तुम्हारी आंखें फूट गई थी। आज ये आदमी मनीष जी बिहार को ठगने निकला है कि वह बिहार में मैं ये कर दूंगा, मेरी जागरण यात्रा जन जागरण यात्रा नहीं बिहार लूट यात्रा निकाल रहे हो तुम। क्योंकि तुम बता चुके हो कि तुमको अगर पैसा मिले तो तुम लालू को भी जिंदाबाद करोगे, तुमको पैसा मिले तुम कांग्रेस की जिंदाबाद करोगे, तुमको पैसा मिले तुम स्टालिन की जिंदाबाद करोगे, तुमको पैसा मिले तुम ममता बनर्जी की जिंदाबाद करोगे। तुम तो पैसे भी बिकने वाले आदमी हो। पैसे एक आदमी जो पिछले 10 साल से सिर्फ पैसों पे किसी के भी घुंघरू बांध के नाच सकता है, किसी के भी नाम के घुंघरू बांध के नाचता है, वो आदमी आज बिहार में ज्ञान बांटने निकला है। तो ये बिहारियों को समझना चाहिए कि एक बड़ा ठगाया है बहुरूपिया जो आपको ठगने की कोशिश कर रहा है। ये हिंदुस्तान के हर भ्रष्टाचारी के समर्थन में उसके लिए रात दिन एक कर चुका उसके चुनाव प्रचार में। इसको चुनाव प्रचार करने में कोई शर्म नहीं आई क्योंकि इसको पैसा मिल रहा था। तो सीधे सीधे जो आदमी अपने आप को इस कदर बेच सकता है कि पैसा मिल जाए तो मैं किसी को भी प्रचार करूंगा तो वो आदमी बिहार का क्या भला करेगा। वो एक दूसरा लालू आ रहा है जो थोड़ा पढ़ा लिखा है बस, उसको लालू की तरह फुवड़ नहीं है, बस इतना अंतर है। लेकिन ये लालू से ज्यादा घातक होगा मनीष जी, ये ज्यादा है। तो वो बिहार के लोगों के लिए संदेश है आज कि ये इस प्रशांत किशोर से जरा ये सवाल पूछो कि तुम क्या अभी 18-19 साल के लौंडे हो क्या, जब तुम बताते हो कि तुम्हारा कोई सिद्धांत ही नहीं, जहां तुमको पैसा मिला तुमने उसके लिए काम करना था, तो कल को तुमको अगर पाकिस्तान पैसा दे देगा तो तुम भारत के खिलाफ काम करोगे क्योंकि तो तुमको पैसा दे रहा है। हाफिज सईद तुमको पैसा दे देगा तो तुम उसके आतंकी के लिए काम करोगे। जब तुम्हारा पैसा ही सिद्धांत है, अन्यथा मनीष जी कोई तो एक विचारधारा होती है। तुम भाजपा के विरोध में होते तो या तो शुरू से कांग्रेस में होते या शुरू से होते, कहीं ममता के साथ, कहीं स्टालिन के साथ, कहीं जगन रेड्डी के साथ। तो इसको इस आदमी के इससे ज्यादा बेईमान, इससे ज्यादा भ्रष्ट और इससे ज्यादा
गिरा हुआ तो राजनीति में कोई दूसरा आदमी नहीं है, इसने राजनीति को ठेकेदारी बना दिया कि ठेकेदार बना के ठेके ठेका लेके चलते हैं। और जरा इसकी औकात भी बता दूं मनीष जी, और मेरे साथ दो तीन मित्र थे जो आज भी हैं, उनको वो गवाह हैं कि मेरे 2014 ये कितना बड़ा आर्किटेक्ट था भाजपा को जिताने का, ये बताता हूँ। जनवरी, हाँ मनीष, जनवरी 2014 भाजपा कार्यालय में एक आयोजन हुआ था, कार्यक्रम हुआ था, उसमें मैं था, दो तीन मित्र और थे, और उसमें पीयूष गोयल और हाँ पीयूष गोयल ही आए थे, मैं तो मुख्य वही थे। तो उसके बाद एक चाय पीने की व्यवस्था थी, तो चाय के ये प्रशांत किशोर, इसका उन्होंने परिचय कराया था उस जनवरी में, जो ये बताता है कि मेरी कंसेप्ट है, ये कंसेप्ट नहीं, ये इसको जो है नौकरी दी गई थी कि तुमको ये करना है। तो इसने बताया क्या कि ये एक चाय पर चर्चा कार्यक्रम शुरू हो रहा है और उसको इनसे आप कोऑर्डिनेट करिए, ये उसको देखेंगे, ये परिचय हुआ था। तो मनीष के संयोग से ये प्रशांत किशोर, मैं और मेरे एक मित्र हैं, वो हरिद्वार में रहते हैं, अमित भाई, अमित कुमार, और वो कर्नल भी था मनीष जी, आपको बता दूं कर्नल भी उसमें साथ था। तो अपना कर इससे मेरी बातचीत हुई, तो इस आदमी को उस समय तक ठीक से कुछ मालूम नहीं था सिवाय चाय पर चर्चा के, बस एक घूम, अरे वो चाय पर चर्चा करनी है और अपने यहाँ से करिएगा तो अपना पता दे दीजिएगा, अपना फोन नंबर नोट कर दे दीजिए मुझको, मेरा ईमेल ले लीजिए, ये दुनिया भर की बातें, चाय की चर्चा की ड्यूटी कर रहा था। और उसके बाद जब ये अचानक ये आदमी एक मामले में माहिर है कि जब मोदी जीत गए तो इसने अपने आप को ऐसा प्रस्तुत किया कि जैसे इसी ने पूरी रचना की थी। और मैं बता दूं कि इसके जो आदमी गंभीर होते हैं, और मोदी ने इसको खदेड़ा क्यों, ये कभी नहीं बताता, इससे ना तो खैराती पूछते हैं कभी कि तुम खदेड़े कह के, जब तुम इतने बड़े कलाकार थे कि तुमने मोदी को जिता दिया 2014 का चुनाव, तो मोदी तो तुम्हारी पूजा करते कि यार अकेले दम पे इस आदमी जिता दिया, तो इससे बढ़िया कौन आदमी हो सकता है। तो चुनाव जीतते इसके खदेड़ा, इसके पड़ी लात, तो एक बनबनाता हुआ सीधे कांग्रेस और लालू के जग घुंगरू बजाने लगा। तो पहले प्रशांत किशोर को ये बताना चाहिए कि मैं वहां से भागा क्यों, या मुझको भगाया क्यों गया। तो इसकी औकात वहां, मोदी अगर इसके जैसे लोगों के जितारे जीतते होते तो बहुत कुछ हो जाता। इसको तो बिहार में मनीष जी जो जीते थे, आपको तो ज्यादा अच्छे से मालूम है कि लालू और नीतीश का वो डेडली कॉम्बिनेशन था, और वो जब आए तो वो बिहार का चुनाव वो जीत गए थे, बड़े उनके वोट बैंक वाला स्थिति थी, कोई इसकी बदौलत वो चुनाव नहीं जीत गए थे, इसकी बदौलत। ये ममता को बताता, ममता जब नहीं, ये नहीं था तब भी जीती, ममता जब तब भी जीती, ये कोई जहां पे मेहनत करके जिताना था, जैसे मैंने कहा उत्तर प्रदेश, तो जब ये लड़ाने आया बड़ा 500 करोड़ का बजट लेके, तो जिस कांग्रेस की 28 सीटें थी उसकी 7 रह गई, यह है इसकी असलियत। अब मैं इसलिए ऐसा प्रचार किया कि उसको खैराती जुट गया, खैराती को भी अपना माल हाल देता होगा, इसीलिए एक घंटे घंटे भी उसका दिखा रहे थे। इस पर चर्चा आज हम लोग को बड़ी जरूरी थी, क्योंकि ऐसा मेहरबान हो गया न्यूज चैनल कि प्रशांत किशोर ना हो गया चंद्रयान का कोई साइंटिस्ट हो गया कि जिसने बड़ा कमाल कर दिया है। यह मनीष जी इसकी हैसियत, यह दिल्ली की सड़क पर चलने वाले एक ऑटो रिक्शा की तरह है, जो पैसा दे वो उसकी उस पर बैठ जाए। ये किसी की वजह से तांगे में जुता घोड़ा, ये दिल्ली की सड़क पर दौड़ता ऑटो, ये चुनावी मनरेगा का मजदूर है, इसको पैसा दीजिए ये आपकी ढपली बजाने लगेगा। तो ये वो ऐसे आदमी से आप कोई राजनीतिक प्रतिबद्धता की बातें कर सकते हैं। आज वो जब ज्ञान बांट रहा है और ये बड़े बड़े भक्तिभाव से सुन रहे हैं सारे लोग। बिल्कुल सर, आपने मुझे लगता है इतना इतनी गंभीरता से जो बात रखी है वो मुझे लगता है कहीं रखी नहीं गई होगी आज, मगर ये यहीं तक खत्म नहीं हो सकता है। इसपे सर, इसपे अभी चर्चा करने की जरूरत है। मैं देख रहा था अदालत लगाने वाला संपादक विद्यार्थी परिषद की पैदाइश, अरुण जेटली के नाम पर चैनल खोल करके माल कमाया, अब मोदी और शाह में दुकान बहुत ज्यादा चल नहीं रही है, ये घोर वामपंथी हो गया है। इसने इससे का सवाल किया, क्या बहुत डांटते पब्लिक को कि तुम जो है शराब पी लोगे, एक एक पैकेट शराब ले लोगे, मछली ले लोगे, उस पर वोट दे देते हो। ये पब्लिक को डांटता है प्रशांत किशोर, उसी पब्लिक में से चार इसके गाल पे चार थप्पड़ मार के पूछे कि तुमने ही इसी लालू यादव, जिस जंगल राज का तुम विरोध सबसे ज्यादा करते हो, नौमी फेर, उसी नौमी फेर को चीफ मिनिस्टर बनाने के लिए, डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाने के लिए तुमने पूरा एजेंडा चलाया। ये डांटता है पब्लिक को, उसी पब्लिक में से चार थप्पड़ मारे इसको कोई घींच करके और कहे कि तुमने बिहार को। तो क्या सर आपको लगता है कि जिस तरह से केजरीवाल प्लांट किया गया था कि कांग्रेस के खिलाफ जो एक मुहिम थी बिहार दिल्ली में, तो केजरीवाल प्लांट किया गया, केजरीवाल के प्लांट करने में कौन कौन था? सोनिया गांधी का जो राष्ट्रीय सलाहकार परिषद था
वो पूरा गैंग, हर्ष मंदर, योगिंदर यादव, प्रशांत भूषण, ये पूरा गैंग था। एकाएक केजरी को क्रिएट करके वो सब अपना दुकान लेकर के फिर घर आ गया। भारत जोड़ो यात्रा, सीए, शाहीन साजिश, किसान आंदोलन, हर जगह जिसके लिए पीएम ने कहा आंदोलन जी। आपको क्या लगता है कि बिहार में जो गुस्सा है उसको एब्जॉर्ब करने के लिए कि जो मोदी सपोर्टर है, जिस तरह से मैं बार बार मध्य प्रदेश का उदाहरण देता हूं, कुछ लोगों ने नोटा जवाया, जो राष्ट्रवादी वोट है उसको एब्जॉर्ब करने के लिए प्रशांत किशोर प्लांट किया गया है। प्रशांत किशोर के पास इतना माल कहां से आया कि सभी टेलीविजन चैनलों पे छा गया और इतना बिहार कस्बे कस्बे बिहार घूम रहा है वो। भाई यही तो मैं समझा रहा हूँ कि ये तो ये उतारा गया मैदान में, अन्यथा इसकी बात और जो बात आपने कही मनीष जी उसी में वो बिल्कुल सटीक बात है, उसी को मैं जरा आगे जोड़ता हूँ कि जो चार थप्पड़ मार के इससे पूछे, जो डांट देता है ये पब्लिक को, तुम शराब की पाउच में टिके वोट दे देते हो, पैसा लेके वोट दे देते हो, तो उनको थप्पड़ मार के पूछना चाहिए कि हम तो शराब के पाउच या पैसा लेके अपना एक वोट देते हैं, तुम कितना पैसा लेके बिके थे जो तुम लालू की सरकार बनवा रहे थे, जिसके खिलाफ आज तुम जहर उगलते घूम रहे हो लालू और नीतीश, उनसे तुम पैसा लेके जब बिक गए, तुम बिक गए तो हम अगर एक वोट के लिए हमारा एक वोट बिकता है तो तुमको तो कम से कम ज्ञान देने की जरूरत नहीं है। तुम जरा बताओ कि तुम कितने पे बिके थे, क्योंकि तब तो मनीष जी कहता था कि मेरी तो कंपनी है, मैं तो कंपनी काम करता हूं, तो कंपनी का मतलब तुमने ये ठान लिया था कि लालू को भी सरकार बनवा देंगे और जिस नीतीश को इतनी गाली बकरे उसको भी तुम पैसा लेके, और यहां तो छोड़ दीजिए मतलब स्टालिन की यहां सरकार ममता बनर्जी के लिए, तो जब तुम पैसा लेके तुम बिकते रहे प्रशांत किशोर, तो तुमको क्या अधिकार है कि तुम एक आम आदमी को डांटो, वो भी पैसा लेके उसका वोट बेच देता है, तो वो तो तुम्हारे ही अनुयायी है, तुम्हारे ही जैसे जो तुमने सिखाया उसका वो छोटा रूप है। और वैसे दर्शकों को बता दूं मनीष जी कि ये तो कभी नहीं बताएगा, लेकिन कुछ खबरें मेरे पास भी पहुंची हैं और उनको मैं सत्य मानता हूं कि जैसे वो बाबा जी पूरे खादी आश्रम पर, पूरे देश के खादी आश्रम पर कब्जा करना चाहते थे कि मेरे ही माल बिकेगा, उनको भी एक गुमान था कि मैंने मोदी को जिताया, और 2019 में बड़े दूर रहे वो, उनको था कि अब मैं दूर हूं तो बड़ा पासा पलट जाएगा, तो पासा क्या पलटा सबने देखा, ऐसे मनीष जी ये भी पहुंचा था। और ये जो हजारों करोड़ का नमामि गंगे प्रोग्राम है, ये चाह रहा था कि इनकी पूरा ठेका इसकी कंपनी यही देखे, नमामि गंगे का बाप यही बन जाए, तो इसको भी बाहर का रास्ता दिखा दिया गया, वो एक कभी जिक्र नहीं करता। तो ये सब वो लोग थे जो जो सोच रहे थे कि नरेंद्र मोदी आए हैं तो जैसे पहले यूपीए सरकार थी ऐसे कोई डकैत नंबर दो कोई आ गया है, अब हम लोग लूटे खाएंगे, पहले कोई और लूटता खाता था अब हम करेंगे, तो इनका सपना कांच के गिलास की तरह टूट के चूर चूर हो गया, क्योंकि ये नरेंद्र मोदी को समझ ही नहीं पाए। बिल्कुल, और इसीलिए मैं कह कि बहुत महत्वपूर्ण विषय उठाया गया है, इस हिस्से को आप ज्यादा ज्यादा तक साझा कीजिए, क्योंकि हमारी लड़ाई उनके षड्यंत्र, उनके नैरेटिव को काटने की है जो देश के खिलाफ हो रहा है। ये प्रशांत किशोर का एजेंडा भारत के खिलाफ एक बड़ा षड्यंत्र है। जो व्यक्ति नौमी फेल लालू के बेटे के लिए मार्केटिंग कर सकता है, जो स्टालिन के लिए मार्केटिंग कर सकता है, जो ममता बनर्जी के लिए कर सकता है, वो नैतिकता की बातें, बिहार के लिए कल्याण की बातें कैसे कर सकता है। कायदे से बिहार को यदि 30 साल में तबाह किया गया है, इसमें बड़ी भूमिका तो प्रशांत किशोर की भी है। ये लोग नैरेटिव गढ़ रहे हैं, इस षड्यंत्र को समझना बहुत जरूरी है, इसीलिए इसे ज्यादा से ज्यादा संख्या में साझा जरूर कीजिए।